19 में मैं बोलके सचिन आप लोग के साथ आइए इनसे डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के 7 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का आगे का रुख क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से लापरवाहियां गुनहगारों को सजा से बचाने के लिए काफी साबित हुई हैं। जिन सबूतों को कोर्ट में पेश कर गुनहगारों को सजा दिलानी थी उन्हें 2 दिन तक भीड़ रौनती रही और पुलिस नेताओं को रोकने में व्यस्त रही है। शायद इन्हीं वजहों से कोर्ट ने भी हिदायत दी है कि सबूतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। 6 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद में वे 2 रातें जुडिशरी कस्टडी में भी बिता चुके हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिलने पर अभी भी कई सवाल खड़े हैं। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने शनिवार शाम को सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई सुबह सोमवार को होगी, यानी आर्यन को अभी एक और रात ऑर्थर जेल में बितानी होगी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में एक महिला का फिल्मी गाने पर बनाया गया वीडियो वायरल हो गया है। महिला ने मंदिर के अंदर का वीडियो बनाकर के इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। इंस्टाग्राम पर उसके 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वीडियो वायरल होने के बाद में महाकाल मंदिर के पुजारी ने इसे आपत्तिजनक बताया। वहीं उन्होंने मांग की कि महिला के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। विवाद बढ़ा तो महिला ने काफी मांग ली और वीडियो को इंस्टाग्राम से हटा दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए इन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक से बेचने के आरोप भी लगे हुए थे और उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया और रविवार सुबह उनका निधन हो गया। लव जिहाद मामले के अंदर नारकोटिक्स जिहाद और कब मार्क्स जिहाद। केरल में नारकोटिक्स जिहाद का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मार्क्स जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया। यह मुद्दा इसलिए भी और बढ़ गया क्योंकि प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे आरएसएस के न केवल स्वयं सेवक है बल्कि संघ की एक संस्था नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर पांडे ने केरल बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। आईपीएल 2021 का फेज 2 अब अपने आखिरी पड़ाव यानी प्लेऑफ दौर में पहुंच चुका है। रविवार को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 3 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पिछले सीजन की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल से होगा। शाम को 7:30 बजे से होने वाले मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सीधा फाइनल में एंट्री कर लेगी। वहीं हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचाने का एक और मौका मिलेगा। उस टीम को दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता से खेलना होगा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।